दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन एलिजिबल आईटीसी जो होता है गुड्स एंड सर्विस यानी जीएसटी के अंदर जो इन एलिजिबल आईटीसी होता है उसी के बारे में, यानी कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं या कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके तहत कि आपको जो अगर आईटीसी मिलता है तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा, क्योंकि वो जो आईटीसी होता है वो आपका इन एलिजिबल होता है, क्योंकि एज पर जीएसटी रूल कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं या कौन कौन से ऐसी सर्विसेज हैं जिन पर कि जीएसटी पोर्टल की ओर से जो आईटीसी आप लेते हैं या जो आईटीसी आपको मिलता है उस पे इन एलिजिबल जो होता है वो गुड्स हैं या कौन कौन सी सर्विसेज हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पे अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं गुड्स की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिन पर कि आपको अगर आईटीसी आप लेते हैं तो वो इन एलिजिबल आईटीसी माना जाएगा, और उस केस में आप अगर आईटीसी रिवर्स नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी के साथ में वो पे करना होता है, और इसकी जो है पेनल्टीज आपको जब कभी भी इसके आपकी कंप्लेन होती है या आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाता है तो आपको विद पेनल्टी के साथ में आपको ये पे करना होता है, आईटीसी जो होता है इसको रिवर्स भी करना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो गुड्स ऐसे कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला ही है मोटर व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, यानी कि अब होता क्या है कि दोस्तों अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल्स होते हैं या टू व्हीलर हो गया या फोर व्हीलर हो गया उसको आप अगर पर्सनल यूज़ के लिए आप लेते हैं और उस पर अगर आपको आईटीसी मिलता है तो इस तरह के आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आईटीसी होता है वो इन एलिजिबल आईटीसी होता है। अगर आप बिजनेस पर्पज से उसमें करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका बिजनेस हो गया उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, या कोई भी अगर व्हीकल्स आप इसमें रेंटल पर्पज से लेते हैं तो उस केस में तो आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल यूज अगर आप करते हैं तो ऐसे कोई भी व्हीकल हो गया, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसमें आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये चीज हो गया। अब उसके बाद में होता है फूड एंड बेवरेज, यानी कि फूड एंड बेवरेज का मतलब होता है खाद्य और पेय पदार्थ। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर आपका फूडिंग आइटम होता है या कोई भी अगर जैसे मान के चलो कि कोई रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं और आपने अपने कोई भी अपने यार दोस्त या फैमिली के साथ में वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जो खाना खाते हैं या कोई भी अपने जो उसमें जितना भी आपका बिल लगता है उस पर आप उसके बदले में अगर कोई इनवॉइस लेते हैं या कोई भी पार्टी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में करते हैं और उसका जो बिल आप लेते हैं, बिल के अंदर आप देखेंगे कि अगर आईटीसी आपको मिलता है, क्योंकि जहाँ कहीं से भी किसी भी रेस्टोरेंट से या किसी भी होटल से अगर आप कोई सर्विस लेते हैं तो वहाँ से आपको एक इनवॉइस इशू किया जाता है और उसका आईटीसी आप लेते हैं तो वो आईटीसी इन एलिजिबल माना जाएगा, उस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो आईटीसी आपको क्लेम नहीं करना। सेकंड चीज हो गई, तो यहाँ पे फूड के अंदर हो गया खाने पीने का जो आइटम होता है उसके लिए, और पेय पदार्थ के लिए भी सेम प्रोसेस होता है। मान के चलिए कोई भी अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या इसके अलावा कोई भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक हो गई या एल्कोहल भी हो गया, कोई भी जैसे आपको अगर पेय पदार्थ होता है उस पे भी अगर आप कोई आईटीसी लेते हैं तो वो आपका आईटीसी जो होता है इन एलिजिबल होता है, वो आईटीसी आपको क्लेम नहीं करना, वो आपको रिवर्स करना होता है। और इसी के बाद में होता है थर्ड नंबर पे गिफ्ट आइटम। अगर कोई भी जैसे कोई गिफ्ट आइटम होता है दोस्तों, अगर आपको कोई भी गिफ्ट करता है तो उस केस में उन गिफ्ट आइटम जो भी होते हैं उसका जो आईटीसी होता है वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होता है। जितने भी गिफ्ट आइटम्स होते हैं चाहे वो अपने बिजनेस पर्पज से ही आपको क्यों ना दिए गए हों, लेकिन वो जो गिफ्ट आइटम होते हैं वो बिजनेस कैटेगरी के अंदर किसी भी जो वर्किंग जो कंडीशंस होती है उसमें नहीं माना जाता है। गिफ्ट जो होते हैं वो आपका पर्सनल यूज के लिए माना जाता है। तो गिफ्ट आइटम जितने भी होते हैं चाहे वो पर्सनल हो चाहे बिजनेस पर्पज से हो, पर्सनल और प्रोफेशनल अगर किसी भी उसमें मकसद में होता है तो उस तरह के जो भी गिफ्ट आइटम होते हैं उसमें आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो इन एलिजिबल आईटीसी माना जाएगा, उसको क्लेम आपको नहीं करना। अब इसके बाद में होता है गुड्स यूज पर्सनल जो कंजप्शंस होते हैं, अगर कोई से भी जो गुड्स होते हैं आप इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे कोई कॉमर्शियल इक्विपमेंट है और उसको अगर आप अपने घर पे पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो उस केस में भी आपको ऐसे जो गुड्स होते हैं उनको आप बिजनेस पर्पज में यूज ना लेके अगर पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे गुड्स या जो हो गया उन पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो भी आपका इन एलिजिबल आईटीसी के अंदर आता है, वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होता है। तो गुड्स मैंने आपको बता दिए, चार तरह के गुड्स मैंने यहाँ पे बताए हैं कि इस तरह के जो गुड्स होते हैं उस पे आपका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होता है। तो ठीक इसी तरह से हो जाता है सर्विसेज कौन कौन सी है,
जो कि इन एलिजिबल आईटीसी जो होती है उसके अंदर आती है। तो सबसे पहली जो सर्विस होती है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस जो होता है आप अपना जो करवाते हैं, तो उस केस में आप देखते हैं कि जितने के मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपने अगर अपना इंश्योरेंस 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाते हैं और उसमें आपको जो जीएसटी अमाउंट लगता है, तो उस तरह के जो जीएसटी अमाउंट होता है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका आईटीसी होता है वो इन एलिजिबल आईटीसी होता है, वो आपको रिवर्स करना होता है। तो ये वाली चीज़ें होती है कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की जो सर्विसेज होती है उसके भी आपका जो आईटीसी होता है वो आपके क्लेम नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़ हो गई। और सेकंड वाली होती है क्लब और मेंबरशिप फीस। अब यहाँ पे क्लब और मेंबरशिप जो फीस होती है उसमें भी आप अपना जो आईटीसी होता है, जैसे कि मान के चलो कि आप कोई भी अपना क्लब या मेंबरशिप आपकी लेते हैं, आप अपनी अगर फर्म या कंपनी के नाम से वो मेंबरशिप लेते हैं और उस केस में आपको आईटीसी मिलता है, तो वो आईटीसी भी आपका इन एलिजिबल आईटीसी माना जाएगा। उस आईटीसी को आप जो होता है कि यानी इनपुट टैक्स जो क्रेडिट आपका होता है उसको क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे आईटीसी आपको मिलते हैं उनको रिवर्स करना होता है, और रिवर्स करने के लिए ही दोस्तों आईएमएस का जो ये सिस्टम दिया गया है पोर्टल पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके तहत आपको उनको एक्सेप्ट नहीं करना, उनको आपको रिजेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आपने उस आईटीसी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो भी इस तरह की कोई सर्विसेज होती हैं तो इस तरह का आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से गुड्स जो होते हैं वो बता दिए मैंने, सर्विसेज भी मैंने बता ही रहा हूँ आपको। तो ये जो सर्विसेज होती हैं इनमें आपको आईटीसी क्लेम नहीं करना। जो कोई भी क्लब हो गया, क्लब की जो मेंबरशिप फीस होती है जैसे एनुअल हो गई या आपके हाफली या क्वार्टरली, जो भी उसके जो चार्जेस लगते हैं उसमें जो आपको आईटीसी मिलता है उस आईटीसी को आपको क्लेम नहीं करना। इसके साथ ही होता है ट्रेवल बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कि कोई भी अगर ट्रेवल आप कहीं पर भी करते हैं तो उस केस में भी अगर आपको किसी भी होटल्स के अंदर रुकते हैं या कोई भी अगर आपका पर्सनल यूज़ आप उसके जो पर्सनल पर्पज से आप अपनी कहीं पे भी ट्रेवलिंग करते हैं, तो इस तरह का कोई भी अगर आपका आईटीसी होता है तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो जो आईटीसी होता है इन एलिजिबल आईटीसी कहलाता है। और इसके बाद में कंस्ट्रक्शन जो सर्विसेज होती है, मान के चलिए कोई भी आपका बिल्डिंग हो गई या आपका अपना हो घर ही क्यों ना हो गया, कार्यालय कुछ भी हो गया, ऑफिस हो गया, अगर उसमें आप अपना पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी बिल्डिंग का या रेनोवेशन करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क उसकी रिपेयरिंग करते हैं, तो वो चीज़ होती है कि उसमें जो आपका कोई भी अगर इनवॉइस आप इशू करते हैं तो इस केस में जो आपका जो आईटीसी होता है वो इन एलिजिबल माना जाता है, जब तक कि वो पर्सनल यूज़ के लिए ही क्यों ना हो। रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं तो उस केस में वो जो होता है आईटीसी आपका इन एलिजिबल होता है। और ठीक इसी तरह से अगर वो कंस्ट्रक्शन जो होता है अगर आपका किसी सेल के पर्पस से है या रेंट के पर्पस से होता है, तो इस केस में आपका जो आईटीसी होता है वो बिल्कुल वैलिड होता है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि रेंट के केस में और उसको आप या रेंट देना चाहते हैं या उसको सेल करना चाहते हैं, तो इस केस में जो कंस्ट्रक्शन आप करवाते हैं जो कंस्ट्रक्शन पे जो चार्ज लगता है, चार्ज पे जो जीएसटी लगती है, उसके अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हैं। और इसी के साथ में होता है कि रेंट ए कैब एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अगर आप कोई भी अपनी जो व्हीकल्स होते हैं या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको अगर आप रेंट पे देते हैं और रेंट पे देने पर जो आप आईटीसी आप लेते हैं, यानी कि आपने जो रेंट पे देते हैं रेंट पे जो आईटीसी लगता है उसका जो आईटीसी आपको मिलता है वो आपको क्लेम नहीं करना है, क्योंकि रेंट पे कोई भी अगर जो व्हीकल्स हो गया, कैब हो गया, ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देते हैं तो वो वाला जो आपको आईटीसी होता है वो इन एलिजिबल आईटीसी होता है। ऐसे आईटीसी को आपको क्लेम नहीं करना होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि ये गुड्स और सर्विसेज, तो इस मैंने गुड्स भी बता दिए कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिन पे कि आपको इन एलिजिबल आईटीसी होता है, उन आईटीसी को आपको क्लेम नहीं करना होता है, क्लेम करते हैं तो ये आपको इसकी पेनल्टीज पे करनी होती है। तो ये सर्विसेज भी मैंने बता दिया। और इसी के साथ में मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये मैंने चार्ट बनाया है। तो इन एलिजिबल आईटीसी के लिए क्या होता है कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस होती हैं, उसमें आपको भैया एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ चार्ट के जरिए। जैसे कि बिजनेस पैलेस आप देखेंगे मेरा दिल्ली है, और दिल्ली का मेरा जो बिजनेस पैलेस है यानी कि POS जो होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कह लीजिए इसको, या प्लेस ऑफ सप्लाई मैं कह देता हूँ यहाँ पे, जैसे POS जो होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं अगर दिल्ली के किसी होटल के अंदर अपने बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ पे स्टे करता हूँ, और स्टे करने पर अगर मेरा जो मान के चलिए कि 8 से 10 दिन या 1 हफ्ता मैं रुकता हूँ होटल के अंदर, और मेरा इनवॉइस जो है 12,000 का बनता है, और 12,000 के अंदर आप देखेंगे कि जो होटल मुझे एक इनवॉइस इशू करती है उसमें CGST और SGST, तो 600 600 रुपये का जो अमाउंट होता है यहाँ पर, आप CGST और SGST का अमाउंट जो
बिल मुझे इशू करता है होटल। तो ये वाला दिल्ली के अंदर मेरा बिजनेस प्लेस है और दिल्ली में ही मैंने सर्विस ली है। तो यहाँ पर ये वाला जो इनवॉइस होता है, इसमें जो आप देखेंगे CGST और SGST अमाउंट होता है, ये मैं इसमें एलिजिबल है क्योंकि ये वाला जो ITC होता है मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल है या जो भी अपना प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो ये मैं इसको कह सकता हूँ पॉइंट ऑफ सेल मेरी क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली होने की वजह से और मेरा बिजनेस प्लेस भी दिल्ली है, तो ये वाला जो आपका होटल की जो सर्विसेज होती है मैंने दिल्ली में ली है और दिल्ली में ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला जो ITC है मैं क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन ठीक इसके अपोजिट अगर मैं जान के बिजनेस पर्पज से ही मुंबई में जाता हूँ, अब मुंबई में जाने पर क्या होता है कि मैं यहाँ पे मेरा बिजनेस प्लेस जो होता है वो दिल्ली है और मैं मुंबई के किसी होटल के अंदर रुकता हूँ, तो मुंबई के किसी होटल में रुकता हूँ और रुकने पर वहाँ पर भी सेम अमाउंट निकल के आ जाता है 12,000 का। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुंबई में जो मेरे को बिल जो इशू किया जाएगा, यानी कि जो इनवॉइस इशू किया जाएगा, वो मेरे को इनवॉइस इशू किया जाएगा CGST और SGST का, क्योंकि वहां पर IGST नहीं लगेगा। क्योंकि IGST क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये POS जो होता है यानी कि पॉइंट ऑफ सेल या जो भी अपन कहते हैं इसमें कि जो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई जो होती है वो यहाँ पर दिल्ली ना होके मुंबई है। क्योंकि अगर मेरी कोई सर्विसेज अगर मैं दिल्ली में लेता तो वहां पे जो होती है क्या POS जो होता है, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, वो दिल्ली कहलाता। लेकिन मैंने मुंबई के अंदर ही सर्विस ली और लेने के साथ मुंबई पे ही वो सर्विस मेरी खत्म हो जाती है। तो जैसे ही मैंने मुंबई में जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है, मुंबई में मैंने होटल थी, होटल मुंबई में ही थी, सर्विस मैंने मुंबई में ली और मुंबई में ही वो सर्विस खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी बिल इश्यू जो IGST मेरे को यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो है होटल जो एक इनवॉइस इशू करेगा उसमें वो CGST लगाएगा और SGST लगाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो CGST और SGST जो अमाउंट होता है, इस अमाउंट को मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला जो होता है कि इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मुंबई है और मुंबई के अंदर मैंने सर्विस ली और मुंबई में मेरी सर्विस खत्म हो जाती है। तो इस केस में ये वाला जो इस तरह के कोई भी अगर आप सर्विसेज अगर दोस्तों लेते हैं और लेने के साथ में अगर इस तरह का कोई ITC आपने क्लेम कर लिया है, तो फ्यूचर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उस पर जो ITC आपको मिलता है वो ITC इन एलिजिबल ITC है। इस तरह के जो ITC होते हैं उनको आपको कभी भी क्लेम नहीं करना। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों। ये चार्ट भी मैंने पूरा एग्जांपल के साथ में आपको समझा दिया कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके तहत कि आपका इन एलिजिबल ITC जो होता है वो होता है, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज शामिल हैं और कौन कौन से गुड्स जो शामिल है उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों ये था जो ये GST पोर्टल पे कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं उसमें कि इन एलिजिबल ITC होता है। अगर आपने भी अगर इस तरह की कोई सर्विसेज हैं या कोई ऐसे गुड्स हैं जिन पे कि आपने अपना ITC क्लेम किया हुआ है, तो उनको आप रिवर्स कर दें, नहीं तो फ्यूचर के अंदर आपको उसकी जो प्रॉब्लम हो सकती है और उसके साथ में आपको विद पेनल्टी के साथ में आपको ये जो है इसके चार्जेस भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक सा इन एलिजिबल ITCs के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।